फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल इंप्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हाका नूडल्स बनाने जा रही हूँ। तो चलिए हम हाका नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। हाका नूडल्स बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है हाका नूडल्स, ये 150 ग्राम का पैकेट है, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, व्हाइट विगेनर, रेड चिल्ली सॉस, कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल में कैरेट, ओनियन, कैप्सिकम, कैबेज, स्प्रिंग ओनियन का व्हाइट पार्ट, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, अजीनोमोटो। अजीनोमोटो ऑप्शनल है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने गैस पे 1.5 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है। उसमें हम आधा चम्मच सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे जिससे नूडल्स चिपकेगा नहीं। अब हम पैकेट से नूडल्स लेके डाल देंगे। हम नूडल्स तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक उबलने देंगे। उबल चुके हैं। हम नूडल्स को एक बार धीरे से चला लेंगे और हम चेक भी कर लेंगे। तो नूडल्स थोड़ा सा हार्ड है, हम 2 मिनट तक और पकने देंगे। नूडल्स अपना 6 मिनट के बाद हम चेक किए, सॉफ्ट हो चुका है। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और एक दूसरे बर्तन पे रख देंगे और उसके ऊपर अपना एक गरम गरम नूडल्स डाल देंगे। ठंडे पानी से धो लेंगे जिससे एक दूसरे से चिपके नहीं। तो हम इसे अच्छे से धो लेंगे, इसे जल्दी ठंडा हो जाएगा और चिपक नहीं पाएगा। तो आप देख रहे हैं अपना नूडल्स एकदम खुला खुला दिख रहा है। अब हम इसे स्टेन करके और निकाल लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसे हम पंखा के नीचे ठंडा कर लेंगे, पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। उसमें हम 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, उसमें हम कटी हुई लहसुन डालेंगे और इसे चला लेंगे। अब हम उसमें ओनियन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम ओनियन डालेंगे जिसे हमने काट के ऐसे अलग अलग कर लिया है। ये सारे सब्जी हमें तेज गैस पे बनाना है क्योंकि सब्जी में क्रंच जरूरी है। गैस का फ्लेम हम फुल रखेंगे और सारे सब्जी को पका लेंगे। 1 मिनट तक हम प्याज को फ्राई किए हैं। अब एक जूनियर कट कैरेट डालेंगे और इसे भी हम आधा मिनट तक तेज फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। सब्जी को केवल कच्चापन दूर करना है, उसे सॉफ्ट नहीं होने देना है, तभी नूडल्स का टेस्ट बढ़िया होता है।
तो अब हम डालेंगे कैप्सिकम और साथ में डालेंगे कैबेज और इसे भी हम 1 मिनट तक तेज फ्लेम पे पका लेंगे। वेजिटेबल सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो ध्यान रहे हम नूडल्स उबालते टाइम भी सॉल्ट डाले थे और सोया सॉस, टोमेटो सॉस यानी सारे सॉस में भी नमक होता है, तो यहाँ हम नमक अंदाज से डालेंगे। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक यूज कर रही हूँ और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे। आपको तीखा चाहिए तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। तो आप देख रहे हैं अपना एक एक नूडल्स अलग अलग दिख रहा है, एक एक नूडल्स हम अलग अलग दिखा रहे हैं आपको। अब हम इसमें 4 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस लाइट या डार्क आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये हम 4 चम्मच सोया सॉस डालें। हम 4 चम्मच विनेगर डालेंगे और तीखा के अनुसार रेड चिल्ली डालेंगे। और हम 2 चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे। अब हम 2 चम्मच के सहारे सारे नूडल्स को ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो ये अपना नूडल्स जो है अलग अलग दिख रहा है। अब हम इसमें अजीनोमोटो डालेंगे। ये सेहत के लिए तो सही नहीं है पर स्वाद के अनुसार लोग डालते हैं, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। और सबको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं अपना सारा वेजिटेबल नूडल्स के साथ और सॉस के साथ मिक्स हो चुका है। नूडल्स डालने के बाद हम इसे 1 ही मिनट तक पकाएंगे। अगर बड़ी पैन हो तो टॉस भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना फ्रेश नूडल्स तैयार हुआ है। ऑफ कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा हम स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब एक सर्विंग डिश लेंगे और उसमें नूडल्स को उलट देंगे। स्प्रिंग ऑनियन से थोड़ा गार्निश कर देंगे। तो ये अपना हक्का नूडल्स बनकर तैयार है। इसे आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट करना मत भूलिए।